बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हाफिज़ प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। जैसा कि हमारा मिशन गुजरांवाला जिंदाबाद लाला एवरी में मौजूद हैं, तो उनकी तीसरे सेगमेंट की वीडियो बनाने के लिए मैं हाजिर हूँ। चले आएँ, आपको लाला एवरी वाले अली इमरान भाई से फिर से मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब हमारा कौन सा वीडियो बनाने का मूड है। जी जमान भाई, तीसरी वीडियो में हम आपके व्यूवर्स को माशाल्लाह जो फिंचेस का सेटअप है, जिसमें गोल्डियंस है, जेब्रा फिंच है, जंबो साइज एग्जीबिशन डिफरेंट म्यूटेशन के अंदर, और हमारे पास जो जावा की कलोनी है उसका विजिट करवाते हैं वन बाय वन आपको इनकी प्रोग्रेस और क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप इनको फीड क्या दे रहे हैं। इनको सर जी हम जो फीड दे रहे हैं, तीनों तरह की कंगनी है, साथ स्वांक, और ये आपको नीचे ट्रे में नजर आ रहा होगा स्वांग है, और हल्की मिकदार में कनेरी तो बहुत महंगी है, ना होने के बराबर डाली गई। सही मतलब बजट को देख के आप बजट को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि हमने ये मतलब माशाल्लाह आपके जैसे बर्ड जितने माशाल्लाह रखे हैं, फिर आपने का बजट भी उसके हिसाब से रखते हैं ना वो सारा, यानी कि टाइम टू टाइम मैनेज। और आपने जो मेरे ख्याल से अपना फिंचेज हैं, जो वाइट फिंचेज हो गई या दूसरी वो ज़ेब्रा फिंचेस, वो आपने खुली छोड़ी है क्लोनी के अंदर? जी बिल्कुल। और ये जो केज जो नजर आ रहा है, इसके अंदर मेरे ख्याल से हमने गोल्डन फिंचेस छोड़ी हुई है माशाल्लाह। माशाल्लाह इसमें गोल्डियंस है, येलो पर्पल चेस्ट में लटीनो, उसके बाद माशाल्लाह कितने पेयर हैं आपके इसके पास? ये माशाल्लाह 5 पेयर है माशाल्लाह। इधर व्यूवर्स को दिखाएं, इधर माशाल्लाह इन्होंने एग भी ले की हुई है माशाल्लाह। अच्छा, तो अपना लाला भाई अली इमरान भाई, सुनने में आया है कि इसकी जो एवरी का अपना एटमोसफेयर है वो भी जावा की तरह ही है? नहीं, इसका एटमॉस्फेयर आपको बहुत कंट्रोल शेड रखना पड़ेगा। जावा जो है सख्त जान है, जो गोल्डियन है वो सबसे सेंसिटिव है। उसके गोल्डियन के अंडे हैं ये वाले? हाँ, ये आपको गोल्डियन के अंडे नजर आ रहे हैं। उसके बाद ये माशाल्लाह मेरा यानी के फर्स्ट ऐसा पेयर है जो अपने बच्चे खुद पालता है। हालांकि सुनने में आता है, कहते हैं कि ये गोल्डियन फिंच अपने बच्चे नहीं पालती। हाँ, ये आप इनके बच्चे दिखाएं। इससे पहले भी तीन इन्होंने सेल्फ किए थे, वो सेल आउट हो गए हैं। अभी ये भी सेल्फ हो गए हैं, नेट टू सेल्फ है। ये भी माशाल्लाह अब खुद पाल रहा है ये पेयर। जबरदस्त माशाल्लाह। तो इतनी खास मैंने डाइट भी नहीं दी, सादा दाना जो ज़ेब्रा फिंच को दे रहा हूँ वही दे रहा हूँ इन्हें। जबरदस्त। हालांकि सुनने में यही है कि ज़ेब्रा फिंचेस ही इनके बच्चे पालती हैं। हाँ ज्यादातर इसके ना पोस्टिंग ही करते हैं बंगलाइज के नीचे या ज़ेब्रा फिंच के नीचे। ये माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके पास टोटल पेयर? सॉरी, ये वाले ये ब्रीडर जो है ना 5 पेयर है माशाल्लाह। सबने एग वगैरह मोस्टली ने एग ले करने स्टार्ट कर दिए। इधर भी माशाल्लाह आपको एग वगैरह नजर आ रहे होंगे मेरे ख्याल से वीडियो के अंदर। आगे आगे मगा के नजर बिल्कुल ठीक हो गया माशाल्लाह। मतलब कि आपके लेइंग और हैचिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है? हाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। अच्छा, तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है अपना? सर ये बहुत हॉट आइटम है, जैसे कि आप अल्बाइनो कह लें, अल्बाइनो रेड की बात कर लें, अगर आप फिजिकल कोई न्यू फैंसियर देखता है तो वो पहले तो देखता ही रह जाता है। जबरदस्त। अच्छा, ये आपने एक नेचुरल सी एनवायरनमेंट दी हुई है, मेरे बाहर ही बना लिया वो। ये मैं आपको इसका बताता हूँ, यहाँ पे ना ओपन एवरी में थोड़ा सा कैमरा घुमाए ऊपर दिखाए व्यूवर्स को। जबरदस्त। ये सुर्खें हमारी लोकली जबान में जो रेड बीक में नजर आ रही है ना आपको, जी बिल्कुल रेड स्पॉटेड, जो ज़ेब्रा से डिफरेंट है। ज़ेब्रा से डिफरेंट है बिल्कुल, ये देखिए नजर आ रही है। हाँ, ये जो है ना ये हमारी लोकली यानी कि नारोवाल और शकरगढ़ के बॉर्डर आजाद घूमती है, आजाद उधर घूमती है इन्हें स्ट्रॉबेरी फिंचेस कहते हैं ना, स्ट्रॉबेरी फिंचेस कहते हैं। सर जी इनकी ब्रीड देने के लिए हमें थोड़ा सा नेचुरली माहौल देना पड़ेगा, तो आप जो बात कर रहे हैं वायलेट परिंदा है माशाल्लाह। हाँ, ये वाइल्ड परिंदा है, तो इसको वाइल्ड टैग भी हमने थोड़ा सा दिया है। तो ये इसके अंदर लेइंग वगैरह कर रही हैं? हाँ माशाल्लाह, इन्होंने ना घोंसले बनाए हैं, सुरंगे टाइप जो है ना इन्होंने बना लिए हैं। थोड़ा सा क्लोज करके ये दिखाएं, शायद अंदर एग वगैरह भी हों। तो माशाल्लाह मैंने ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा है। बहुत से इन्होंने अंदर सुरंगे बनाई हैं और बैठते भी हैं, मैंने देखा भी है इनको। अंडे तो फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहे। अभी तो हम अंदर आ गए हैं, तो फ्लाई कर गए हैं। फ्लाई कर गए, जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, तो माशाल्लाह इन्होंने बच्चे दिए हुए हैं आपकी ये ज़ेब्रा फिंच? हाँ, ये आप नीचे देख सकते हैं, ये आज ही शायद नीचे आया जी, ये बच्चा क्योंकि इनकी पहचान। हाँ, सेल्फ हो गया, सेल्फ नहीं हुआ अभी, कह लेंगे इसकी फ्लाई पूरी हुई है, तो फीदर कंप्लीट हुए हैं फ्लाई कर। मतलब चूंच इसकी ब्लैक होती है, ब्लैक है। उसके बाद ये व्यूवर्स को दिखाएं माशाल्लाह, इधर बच्चे पड़े हैं। जबरदस्त माशाल्लाह। इनकी एवरेज क्या होती है एक बच्चों की? ये अगर हम सही तरह से इनकी केयर करेंगे तो माशाल्लाह जमान भाई ये तो 5-5, 6-6 बच्चे पाल देते हैं। उसके बाद ये भी बस दिखाएं इधर, ये माशाल्लाह ओपन ही एग दे के बैठे, ये अभी एक फ्लाई करके गया है।
इसके अंदर भी माशाल्लाह एग आए हुए हैं। जबरदस्त, ये तो इन्होंने वो कहले कि कुदरती एनवायरनमेंट जैसे दी होती है उस तरह उन्होंने दिए हुए हैं माशाल्लाह। ये डिफरेंट जगह पे एग वगैरह ये ना ले करके बैठे हुए हैं, मतलब कि बॉक्सेस भी लगाए हैं आपने और एक और नेचुरल एनवायरनमेंट आपने दिया हुआ है। व्यूअर्स को दिखाए, इधर भी बच्चे निकले हैं माशाल्लाह। ये बॉक्स ऊंचा है, शायद इसमें बच्चे नजर ना आए माशाल्लाह। इसका मतलब कि आपने इनकी फोस्टिंग नहीं की, वैसे ही इनके अपने बच्चे। मैं इनको इतना खास कहने के ज़मान पर ही ध्यान नहीं देता, ये हमारा जो कज़न है यही इधर चेकिंग वगैरह करता रहता है और वक्तन फोक्तन मुझे बताता रहता है। आपका ध्यान सारा अल्बाइनोस की तरफ है। मेरा तो कहने के मेजर, आपको पता है कि मेजर इन्वेस्टमेंट भी उस पर ही है, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है क्योंकि आगे सीजन भी है। चलिए अल्लाह पाक उसके अंदर भी आपको मजीद बरकत दे और इसके अंदर भी दे। और ये वाली फिंच कौन सी है मुझे बताइएगा थोड़ी सी, ये जरा डिफरेंट नज़र आ रही है। ये सर जी पेंगुइन की म्यूटेशन है, ये फीमेल है। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अंदर आपने म्यूटेशन भी ऐड की हुई है। इसमें सर जी आपको ब्लैक फेस, ब्लैक चेस्ट और उसके बाद ओरेंज चेस्ट में ब्लैक ओरेंज चीक, उसके बाद पेंगुइन म्यूटेशन। अच्छा, इनके साइज बड़े ज़बरदस्त है माशाल्लाह। जो भी सर जी ये इसमें किंग साइज और एग्जीबिशन साइज दोनों मिक्स हैं माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको इकट्ठा छोड़ा है, बच्चे निकाल भी रहे हैं, खुद ही पाल भी रहे हैं। ये थोड़ा सा कैमरा ऊपर करेंगे, इसकी छत के ऊपर ना सारे बैठे हुए हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो सर इसकी सेल आउट कैसी है माशाल्लाह? ये भी सर जी इजीली सेल हो जाती है, कोई इतना यानी कि कहने के स्यापा नहीं है कि सेल नहीं हो रहे। जबरदस्त। मैं इधर एक चीज़ आपको क्लियर करता जाऊँ, आपके भी नॉलेज में होगा, जो न्यू फैंसियर है ना वो बेताब हो जाता है। बेताब हो जाता है बिल्कुल। ब्रीड आई है यार, सेल नहीं हो रही, सेल नहीं हो रही। आप अपने अंदर होल्डिंग कैपेसिटी पैदा करें, पैदा करें बिल्कुल। आप होल्डिंग कैपेसिटी पैदा करेंगे, यकीन माने जो आप बर्ड 150 का बेच रहे हैं ना वो 1000 का भी आप बेचेंगे। बेचेंगे बिल्कुल। जब आप में होल्डिंग कैपेसिटी आ जाएगी, आप में सब्र आ जाएगा ना, तो आप, मैं इसकी एग्जाम्पल इस तरह देता हूँ, आज से 4 माह पहले 10, 11 या 13 हज़ार का अल्बिनो रेडेज का पट्टा सेल आउट हो रहा था। आज मौजूदा मैं आपको बता रहा हूँ 20 से 25 हज़ार का सेल हो रहा है, तो मिल भी नहीं रहा। नहीं नहीं सर, आप गलत बता रहे हैं, 50 हज़ार का पेयर जा रहा है ना। मैं सिंगल पीस की बात, सिंगल पीस की बात, सिंगल पीस की बात कर रहा हूँ। आप इससे ऑब्जर्व कर लें, जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी या ब्रोकर थे रोका था, वो उनकी चांदी सोना हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए हमें अपना जावा का सेट, इसके बाद व्यूवर्स को जावा का विजिट करवाते हैं, और उसमें भी आप अगर आपके माइंड में भी माइंड में क्वेश्चन जरूर जरूर तो वो पूछिएगा, इंशाल्लाह उसका भी जो है ना आपको बताते हैं। इमरान भाई माशाल्लाह अब आपके जावा के सेटअप के अंदर आ गए हैं, बॉक्सेस वगैरह इसके भी आपने इंस्टॉल कर दिए हैं माशाल्लाह। थोड़ा सा डिटेल के साथ बताते चले कि कौन कौन सा साइज़ है इनका और माशाल्लाह क्या इनकी होती है ब्रीडिंग की प्रोग्रेस होती है। ज़मान भाई ये जावा, जैसा कि व्यूवर्स को यानी कि मेरे चैनल के तवसत से तो पता होगा कि ये न्यू ही हमने कुछ दिन पहले इंस्टॉल। अच्छा, नई एंट्री है आपकी? नहीं नहीं, न्यू इंस्टॉल की हैं बॉक्स, पिछले सीजन में हमने मटकी हैं जो है इनको लगाई थी। अब बॉक्स ये लव बर्ड के जो हमने नीचे नए बनवाए थे ये एक्स्ट्रा हो गए थे, तो अब हमने इनको बॉक्स दे दिए हैं। तो माशाल्लाह ये बॉक्स का साइज 1 फुट यानी कि डेस्कटॉप में है, 8 फुट इसकी यानी कि फ्रंट है, मतलब रेडियो टाइप बनाया हुआ। हाँ रेडियो टाइप है, तकरीबन 6 इंच इसकी डेप्थ होगी। तो इस तर्ज का ये बॉक्स है, तो माशाल्लाह इसमें नेस्टिंग वगैरह और मे भी माशाल्लाह कुछ बॉक्सेज में अंडे भी आ चुके हैं बिल्कुल। तो तकरीबन हमने छोड़ा है मेरे ख्याल से इसकी वेंट बजनी है इसका, यानी कि ये पदेशी ऐसा है। अच्छा अच्छा, ही ऐसा है एक पीस। इसमें आपको जो ऊपर म्यूटेशन नज़र आ रही है माशाल्लाह, मेरे यानी कि जो लाइन मैंने बनाई थी इसमें सारा सप्लिट है ओपल रेडेज का माशाल्लाह। ये बच्चे ओपल रेडेज भी निकालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिस जिस को दिया है तो माशाल्लाह उसने यानी कि अच्छे लफ्ज़ों में ही हमें रिटर्न, मतलब कि आपने चीज़ अच्छी दी है, उसमें से क्वालिटी निकल रही है, क्वालिटी माशाल्लाह निकल रही है, क्योंकि इसके अंदर हमने ओपल के छोड़ के सब्लिट तैयार किए थे। अब आगे जिसके पास भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ओपल निकलते हैं। अच्छा, तो आप इनको क्या क्या यूज़ करवा रहे हैं? इसको सर जी मैं टोटली जो अपने लाबर की वेस्टेज है वो यूज़ करवाता हूँ, स्पेशल दाना नहीं है। आप नीचे व्यूवर्स को दिखाएं, सारा गंद है। सही, जावा बर्ड जो है ना बेसिकली गंद में कुछ रहता है। अच्छा, ये आपके गंद के अंदर एक चीज़ घूम रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये चाइनीज कोयल है, इसकी फीमेल तो एक्सपायर हो गई है, बट ये अभी इसका मिशन ही इधर ये है कि नीचे जो सूंडी लार्वा पैदा होता है वो खाता, कोई भी कीड़ा मकोड़ा है तो ये जवान की ड्यूटी है कि उसने उसके दो खत्म करना है। हाँ, उससे दो आप। जबरदस्त। अच्छा, इसका मौसम ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो गया हो अभी, इसका ब्रीडिंग सीजन बॉक्सेज लग गए हर तरफ, यानी कि सबको अनाउंस भी कर दिया कि बॉक्स लगा लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों ने पहले लगा दिए थे, ब्रीड आ गई, अब माहौल जो है ना सेट है,
हम लगा सकते हैं बॉक्स। मैंने भी 14 अगस्त पे लगाए थे आज से तकरीबन 10-11 दिन पहले तो माशाल्लाह मैंने कल चेकिंग की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दो बॉक्सेस में अंडे आ गए थे माशाल्लाह। मतलब लेइंग स्टार्ट कर दी इन्होंने, लेइंग स्टार्ट कर दी है तो कह लेंगे तरसे हो गए थे कि कब बॉक्स लगे थे कब जो है ना। अच्छा तो लाइब्रेरी भाई इनकी कैल्शियम पोटेंसी कैसी पूरी कर सकते हैं आप इनको? सर जी हम एक तो जब साफ फूड इनको मैं डेली देता हूँ जिसमें एग ब्रेड या जो हम लबड़ को डाले वगैरह देते हैं सॉफ्ट सीड उसको फिर ग्राइंडर में मजीद मैश करके ताकि छोटा हो जाए सर। हाँ छोटा करके सब्जियाँ ऐड करके वो और एक दिन वो डाल दिया एक दिन हमने एग ब्रेड जब बच्चे निकले होते हैं फिर रूटीन ऐसे चलती है कि एग ब्रेड डेली हमने देना ही देना है ताकि बच्चों को फीड अच्छी हो वो अच्छे तरीके से हजम कर सके और साथ दो दिया छली जो है वो यूज करवाते हैं वो बहुत शौक से खाते हैं माशाल्लाह। किम पी वगैरह को सिर्फ नहीं यूज करवाते हैं क्योंकि सर जी कोई इतने खास विटामिन की जरूरत नहीं है ये भी बहुत लाइट मैं इनको जो यूज़ करवा रहा हूँ विटा गोल्ड उसके बाद मोनोटोन और मियाली के जो है ना कैल्शियम प्लस डी थ्री क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं आती है यार वो मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि मेरा इंडोर सेटअप है सारा तो डी थ्री मैं रेगुलर बेसिस पे लाजमी यूज़ करवाता हूँ ताकि इनकी जो डेफिशिएंसी है कैल्शियम और डी थ्री की वो पूरी होती है। सही जबरदस्त। अली इमरान भाई हमारे व्यूअर्स को अपना नंबर लाजमी दीजिएगा ताकि किसी को कोई किस्म का भी मशवरा लेना हो या फिर बात मिस कर गए हो हम भी तो वो आपसे पूछ सकें। सर जी मेरा नंबर 03-24-92-34 है माशाल्लाह बहुत से व्यूवर्स और आपको जानते भी होंगे। हाँ जानते भी होंगे काफियों के पास नंबर भी होगा जो आपके चैनल पे ऐसे व्यूवर्स जो मेरे चैनल पे नहीं है बिल्कुल बिल्कुल तो उनके लिए भी हेल्पफुल काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जो भी आपकी क्यूरी या जो भी आपके माइंड में सवाल होगा इंशाल्लाह ताला आपका भाई हर मोड़ पे हाजिर है किसी को किसी किस्म की हेल्प चाहिए बिला झिझक जो है ना हमें व्हाट्सअप पे वॉइस मैसेज कीजिएगा। बात कर मैं ड्यूटी पे मसरूफ होता हूँ मैं वॉइस मैसेज सुन के जरूर रिप्लाई करता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी अक्सर यही कहते थे कि आप वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें तो हम आपको रिप्लाई कर दिया करेंगे। बात कर ये हो जाता है ना कि कहीं मसरूफियात रहती है क्योंकि सेटअप भी मैनेज करना है और ड्यूटी को भी ड्यूटी को मैनेज करना है माशाल्लाह और फैमिली भी है। हाँ तो ये थोड़ी सी मैनेजमेंट जो है ना बात कर कॉल अटेंड नहीं हो सकती तो मैं व्हाट्सअप पे सबको कहता हूँ कि आप व्हाट्सअप करें इंशाल्लाह ताला जो भी मामला होगा इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई उसका लायमल जरूर होगा। चलो जी अल्लाह ताला आपको इस सेटअप में बरकत दे जी। जैसा कि व्यूअर्स आपको माशाल्लाह इनके तीनों सेटअप विजिट करवाए हैं और आपको अली इमरान भाई का फ़ोन नंबर भी इसके अंदर वीडियो के अंदर दे दिया। अगर आपको किसी किस्म की कोई समझ ना लगी हो या कोई हेल्पफुल बात चाहिए हो तो आप इनसे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा और अपने हमारे कमेंट बॉक्स में लाजमी राय दीजिएगा कि आपको अली इमरान भाई के तीनों सेटअप कैसे लगे हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट सेटअप और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।